अहमद अजीज खान, अध्यक्ष पैगाम इंसानियत बरेली, आपसे मुखातिब हूँ और बताना चाहता हूँ कि इस शहर बरेली के अंदर तकरीबन 20 साल से पैगाम इंसानियत इंसानों के बुनियादी मसाइल सेहत और तालीम यानी एजुकेशन और हेल्थ के सिलसिले में अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। चैरिटेबल क्लिनिक्स, मेडिकल कैंप्स, बच्चों की तालीम के सिलसिले में उनकी इमदाद, इस तरह के कुछ काम नुमाया तौर से पैगाम इंसानियत अंजाम देती रही है और 20 साल की मुद्दत में एक खेप तैयार हुई है जिसने पैगाम इंसानियत की इन सर्विसेज से फ़ायदा उठाया। आज वो किसी लायक हुए हैं और आज वो समाज की सेवा करने के लिए वो लोग तैयार हैं। हर साल हम लोग तालीम के टॉपिक पे, तालीम को इनवान पे एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, तालीमी कॉन्फ्रेंस। वो इस साल की जो तालीमी कॉन्फ्रेंस है 25 जून यानी इतवार के दिन होने जा रही है। सुबह 10 बजे से ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है वो ये है कि ख़ास तौर से मुसलमानों को जो तालीम के मैदान में उनका पिछड़ापन है उसके हवाले से उनको जागरूक करना, बेदार करना, और जो मुसलमानों का ज़िम्मेदार तबका है ख़ास तौर से उसको मुखातिब करके एजुकेशन के फील्ड में कम्युनिटी के एम्पावरमेंट, सोसाइटी के एम्पावरमेंट और अल्टीमेटली कंट्री के एम्पावरमेंट के सिलसिले में उनको अपने रोल को अदा करने के सिलसिले में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एक ऐसा मंच देना है जहां से वो अपनी सर्विसेज दे सकें। ये कॉन्फ्रेंस में इस बार मोहम्मद अदीब साहब जो एक्स मेंबर पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से, वो आ रहे हैं। आप जानते हैं कि कितने हसास तबीयत आदमी हैं और आजकल बहुत फिक्रमंदी के साथ इस तरह के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। प्रोफेसर कौसर उस्मान साहब जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और एक बहुत ही जिम्मेदार और समाज को के लिए बहुत कुछ करने वाले इंसान हैं, वो भी हमारे दरमियान उस मौके पर तशरीफ़ ला रहे हैं। और एक और धार्मिक विद्वान मौलाना जमील सिद्दीकी साहब भी आ रहे हैं ताकि एक माहौल पैदा हो, और ये माहौल हम लोग इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि शिक्षा या तालीम या एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है एम्पावरमेंट का आज की तारीख में। अगर हमें मुल्क को मजबूत बनाना है तो वो तालीम के ज़रिए से मजबूत बनेगा, अगर हमें सोसाइटी को मजबूत बनाना है तो वो भी तालीम के ज़रिए से होगा, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे काम करना है तो वो भी तालीम के ज़रिए से ही होगा। लिहाजा इस सिलसिले में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इंडस न्यूज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस सिलसिले में कि उसके ज़रिए से इतला आप तमाम लोगों तक पहुँचेगी। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि इतवार के दिन सुबह 10 बजे IMA हॉल में आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आएंगे और आके इस तालीम के मिशन को ताकत पहुँचाने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया।